अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही लाजवाब पालक पनीर बनाने की रेसिपी। पालक पनीर एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ही खाना पसंद करते हैं और बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनता है, जो बहुत ही टेस्टी बन के आती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। आप घर पर ही बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर पालक लिया है 2 बंडल के करीब है, जिसके पत्ते मैंने अलग कर लिया है और इसे अच्छे तरीके से 3-4 पानी वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 4-5 कप पानी को गर्म कर लिया है और इसमें पालक डाल के ब्लांच करना है, मतलब ये हमें ज़्यादा देर तक उबालना नहीं है। 2 मिनट के लिए इसी तरह से उबलने देंगे, उसके बाद इसे निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे इसका कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 2 मिनट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में आप डाल दें। इसी तरीके से पालक का कलर रिटेन करने का ये एक बहुत अच्छा मेथड है, तो आप भी फॉलो करें इसे। तो बस अब इसको पानी को निचोड़ के एक ब्लेंडर जार में डाल के इसे एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल गर्म करना है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते और 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, और इसे हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फाइनली चॉप की हुई प्याज और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसे अच्छे से अदरक और लहसुन को भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर से लो हीट पर ही कुक करें 3 से 4 मिनट के लिए। अगर इसमें पानी की ज़रूरत है तो आप 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे मसालों को। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 kg पनीर के क्यूब्स और 5 से 7 मिनट के लिए मसालों के साथ कुक करेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बटर। 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक की प्योरे और इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे पकने देंगे, जब तक इसमें ऑयल ना दिखने लगे तब तक हम इसे कुक करेंगे। तो ये काफ़ी ठीक हो गया है हमारा पालक, जो आप देख सकते हैं। अब इसी तरह 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे और मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक हमारा तेल ऑयल साइड से नज़र ना आने लगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बटर 1 टीस्पून, ताकि हमारा जो पनीर है वो अच्छे से फ्राई हो जाए, उसमें कोई कच्चापन ना रहे। और ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, इसको थोड़ा पानी डालिए, नहीं तो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो कम हो जाएगा आपका। फोर टेबलस्पून के करीब इसमें डाल दिया है कुकिंग क्रीम, और इसको हम अब कुकिंग क्रीम के साथ पकाएंगे धीमी आंच पे करीब 4-5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे पकाते जा रही हूँ इसमें ग्रेवी थिक होते जा रही है, और हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। क्रीम का जो वाइटिश कलर आ गया था, उसको अगर आप पकाते रहेंगे तो देखेंगे इसका वापस से ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये देखिए, हल्का हल्का ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये देखिए, डिलीशियस पालक पनीर बनके तैयार है सर्व करने के लिए। बीच में थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है,
आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप बटर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए डिलीशियस पालक पनीर बनके तैयार है सर्व करने के लिए। अब इसे बटर के साथ सर्व कर दिया है। अगर आप चाहें तो ऊपर से कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं। तो रेडी है हमारा डिलीशियस पालक पनीर। इसको आप इंजॉय करिए किसी भी नान के साथ, बटर नान या गार्लिक नान के साथ। बहुत ही डिलीशियस लगता है ये नान के साथ। इसे आप रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। आप भी बनाइए ये रेसिपी और ज़रूर बताइए कैसे लगी आपको ये पालक पनीर रेसिपी, अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो। चलिए मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे खाइए और इंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।